पाकिस्तान में जब भी कोई नया इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को अपने क्लाइंट्स को अपने एंड यूजर को एक चीज़ की तनबीक करता हूँ कि आप तीन चीज़ों को मद्देनजर रखें नंबर वन लोकेशन नंबर टू डेवलपर एंड नंबर थ्री एन स्टेटस अब ये तीन चीज़ें जो हमेशा मैं करता हूँ स्मार्ट और हार को लेकर तीनों अपने लिहाज से बहुत भरपूर पूरा उतरती हैं लेकिन सबसे प्रोमिनेंट चीज इसमें डेवलपर है अब डेवलपर इसमें आता है लिमिटेड लिमिटेड अब जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें पाकिस्तान के मल्टीपल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में डिलीवर किए हुए हैं जिसमें जिसमें एम टू पे, पे इंटरचेंज बनना है एम टू मोटरवे बनाने वाली कंपनी का नाम है हरीफिक लिमिटेड और इसके अलावा आप देख ली कन्वेंशन सेंटर इस्लाबाद बैरिया कंटावर कराची मुल्तान एयरपोर्ट और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और हैं इनमें हम डिस्कशन में नहीं जाते हैं बट डेवलपर इतना क्यों जरूरी होता है डिवेलपर लिए ज़रूरी होता है कि वो इंडिविजुअल वो एंटिटी जिसकी पॉकेट में आपके पैसे जाने होते हैं वो इंडिविजुअल इसलिए जरूरी होता है कि आपने उनको पैसे दे दिए अगर वो बंदा डिलीवर करने के मूड में है अपनी रेपुटेशन को लेके तो डेफिनेटली वो जितना भी मुश्किल होगा जितनी भी प्राइस कंस्टेंट्स होंगी जितनी मजबूरियाँ मुश्किल आएंगी वो उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे क्योंकि इस तरह हबीबिक लिमिटेड को देखें कि साइड पर एक भी इंडिविजुअल नहीं रहता लेकिन साइड पर अगर आप जाके देखें तो आपको आइस्को की तरफ से प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो मिलती है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से साइड पे भी एक भी इंडिविजुअल नहीं रहता स्कूल जो है साइड पर रेडी है एक भी इंडिविजुअल नहीं रहता पर्सनली लिविंग नहीं है किसी की साइड पर मस्जिद वगैरह आपको रेडी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कभी आपने पाकिस्तान में सुना है कि एक सोसाइटी जिसमें एक भी इंडिविजुअल नहीं है वहां पर सुई गैस का अप्रूवल हो गया है जी हाँ ये लाहौर स्मार्टी में नहीं कैपिटल स्मार्ट सिटी में हुआ है लाहौर स्मार्ट सिटी इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि इसमें भी इस तरह प्रॉपरली गैस बिजली सारा कुछ जो प्रॉपर लेस्को की सप्लाई होगी इलेक्ट्रिक सप्लाई वो लाहौर को मिलेगी इस तरफ जो सुई गैस का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी होगा लेकिन एक सैंपल के तौर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त जो चीज़ें हैं तमाम की तमाम चीज़ें जो बंदा सोच नहीं सकता था गुलबग में एक्जाम्पल देता हूँ गुलबाग एक प्रोजेक्ट है जो जिसको आई बी सी एच ओन करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो इंप्लॉयज़ कॉरपोरेटिंग हाउस सोसाइटी आई के लोगों को अपना मेन इस्लामाबाद हाईवे पर इंटरचेंज लेने के लिए 2006 से लेके 2017 तक तकरीबन 11 साल का टाइम लगा था तो इमेजिन करें हबीब फेक लिमिटेड ने वही काम क्योंकि डेवलपर की अपने जो लिंक्स हैं अपने जोन्स हैं वो पॉलिटिकल सेक्टर में भी हैं पॉलिटिकल के अलावा स्टैब्लिशमेंट सेक्टर में भी हैं इस्टब्लिशमेंट के सबसे जो, जो मेजर प्रोजेक्ट हैं दैट इज डी तो डी एच जो डिलीवर करने वाली कंपनी का नाम है दैट इज़ हबीर फिक लिमिटेड और पाकिस्तान में उनका इतना स्ट्रॉन्ग नाम है इतना तगड़ा नाम है कि उन्होंने अपने जो पाँचों वादे थे कमिटमेंट करके दिखाई है कि साइड पर आपको बिजली भी प्रोवाइड की है गैस भी प्रोवाइड करने लगे हैं स्कूल भी प्रोवाइड हो गया हॉस्पिटल भी साइड में बन रहा है गोल्फ कोर्स भी बन रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है साइड पे मेन इस्लामाबाद मोटरवे पे अपना इंटरचेंज 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 डेडिकेटेड डेडिकेटेड इस्लाबाद मोटरवेटेड इंटरचेंजीटेड इंटरचे स्मार्ट सिटी का मोटरवे इस तरफ और उस तरफ दोनों साइड पे लैंड होगी और ये तकरीबन डेढ़ लाख किनाल का प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान में इस वक्त जितने ऑलमेडी इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स हैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ तमाम लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल्ड है आपका पच्चीस हजार किनाल का एन इस वक्त पाकिस्तान में एक सोसाइटी के पास में नहीं है सबसे बड़ा एन इस वक्त पाकिस्तान का होल्ड करता है दैट इज कैपिटल स्मार्ट सिटी उसके अलावा सुई गैस की जो प्रोविजन मैंने आपको बता दी पहले ही लेक्ट्रिक सप्लाई जो ऑलरेडी है आइसो की तरफ से साइट पे अवेलेबल है तो ये चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से डेवलपर अपनी क्रेडिबिलिटी को अपहोल्ड करता है ना कि अपनी क्रेडिबिलिटी को डाउन द रेंज जाने देता है कि यार कोई बात नहीं पैसे तो आ रहे हैं ना तो इस तरह नहीं है यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर तमाम चीजें डिलीवर करके जो प्रामिस कमिटेड कमिटमेंट की गई थी तमाम के तमाम प्रोमिस को अपनी जगह पर अप किया गया है तो ये स्मार्ट सिटी आपके लिए अगर आपके पास अभी भी इन्वेस्टमेंट है आप इसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास स्मार्ट सिटी से अच्छा ऑप्शन होगा इस वक्त साइट पर प्रॉपरली फिफ्टीन सेप्टंबर का अप्रूवल मौजूद है नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे अथॉर्टी का मोटर इंटरचेंज का सब्सिडरी कंपनी जो है की मोर उसे कंस्ट्रक्शन के हवाले में लिख दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें आने वाले दो से तीन महीने में आपको स्मार्ट अंदर रेट्स के बहुत मेजर जंप्स नजर आएंगे और उसके बाद स्मार्ट टी में अंदर शायद प्लॉट प्रिक्योर करना आपके लिए न्यू टि पॉसिबल हो जाए आज के बाद आज की डेट में आपके पास ये ऑप्शन है इस ऑप्शन को अवेल करें और कैपिटल स्मार्ट टी एल स्मार्ट में अपनी बुकिंग करवाएं सो वज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्टियां और स्मार्ट कुछ मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रबाता करें इसलिए वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वो लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिस्मान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुद office.